माता पिता बच्चे को डांटते हैं कि पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, हम इतना पैसा तेरे पे खर्च कर रहे हैं। एक्चुअली उस बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि बच्चा तो अनभिज्ञ है, गर्म लोहा है। हम उसको जिस तरीके से डालेंगे वो उसी डाल में डल जाएगा। आप अपने घर के अंदर वो कमियां ढूंढिए जिन कमियों से उस बच्चे का शिक्षा से मुंह मोड़ना, शिक्षा से दूर भागना, उन चीजों को बैलेंस कीजिए। हम उनकी तरफ आपको अग्रसर कर रहे हैं। उसी को लेके कुछ चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसे ही एक दिन मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया, बच्चा स्कूल से आया था, उसके पेपर का रिजल्ट आया। वो उसको डांट रहे थे कि हम उसको इतना ट्यूशन भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ता नहीं। ऐसे ही मैंने भी सोचा कि हमारा भी टेस्ट हो जाएगा, तो क्या ना इस चलते चलते इस बच्चे का ही कुछ काम कर दें। तो हम जैसे ही अपने रिलेटिव्स के घर पे, मैंने कहा मखा इस बच्चे को मत डांटिए, बच्चे का फॉल्ट नहीं। वो कहने लगे जी कैसे फॉल्ट नहीं है। मखा जो इस बच्चे का फॉल्ट है मैं उसको ठीक करके चला जाता हूँ। आज के बाद मेरे को जब नेक्स्ट वीक के एग्जाम होंगे तो उस टाइम मुझे रिजल्ट के लिए बात करना, मैं जिम्मेवार। तो जैसे ही हमने WSW वेस्ट साउथ वेस्ट को जब हमने चेक किया, जो शिक्षा और सेविंग की जोन है, वहां पर उन लोगों ने उस बच्चे के खेलने से संबंधित चीजें रखी हुई थी। फोन वहां रखे थे, चार्जर वहां रखे थे। तो मैंने वो सारा सामान वहां से निकलवा के मैंने कहा जब भी आप इसको बात करते हो पढ़ाई की, तो या तो ये खेलने की बात करता है आपसे, या ये फोन चलाने की बात करता है। इन चीजों को आप यहां से हटा दीजिए, वहां पर बुक्स लगाइए, पेन लगाइए। उससे क्या होगा, इस बच्चे का जो चीज आप वहां रखोगे, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें रखोगे, एजुकेशन की जोन में एजुकेशन से संबंधित चीजें आप रखोगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक उसी तरफ अग्रसर हो जाएगा। आप जहां पर उसको शिक्षा की चीजें रखनी चाहिए, वहां आपने खेलने की चीजें रखी हैं, उसमें उसका फॉल्ट क्या, वो तो बेचारा अनभिज्ञ है। माता पिता को थोड़ा सचेत होना चाहिए कि वास्तु काम करता है, 100% काम करता है, और 100% मेडिकल रिजल्ट।